नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें लगभग 200 से अधिक देश इस गंभीर महामारी की चपेट में अपने उल्टी गिनती गिन रहे हैं। इस संक्रमण में भारत देश भी अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन के तीसरे चरण चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग देश में 50,000 संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं मजदूरों का पलायन भी लगातार जारी है, जो भूख और प्यास से परेशान है। लेकिन जब ये प्रवासी मजदूर डबरा की पावन भूमि पर पहुंचते हैं, तो उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था से वंचित नहीं करना पड़ता। दर्जनों समाज सेवी उनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, और एक ऐसा ही दिन नहीं गुजरा जब कोई भी मजदूरी यहाँ से खा गया हो। ऐसी समाज सेवा शायद किसी और अन्य जिले में देखने को मिले। डबरा की पावन भूमि पर संत पीरबल दास आश्रम के भक्तों द्वारा रात और दिन सैकड़ों गरीब परिवार प्रवासी मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। वहीं सुबह और शाम डबरा की गली गली में पहुंचकर गायों को भूसे की सानी खिलाकर उनका भी पेट भर रहे हैं। डबरा से हिंदुस्तान टुडे के साथ ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम महेश कुमार, मेरे को यहाँ गोलू के नाम से जानते हैं, और हम लोग संत पीरबल दास आश्रम की तरफ से हैं। और संत पीरबल दास आश्रम की तरफ से ये नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम दो टाइम अपन गऊ की सेवा करते हैं। जितने भी गोवंश हैं सबकी सेवा करते हैं अपन। उसमें क्या है कि सुबह 6 बजे से अपन जुटते हैं, 6 से लेकर 11 बजे तक एक शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट अपनी शुरू होती है 3 से 7 बजे तक। इसमें 2 शिफ्टें लग के अपन पूरे डबरा शहर में जितने भी बेजुबान जानवर हैं, गोवंश हैं, उनको अपन फिट कराते हैं। तो पूरे डबरा में कितने गोवंश मतलब समथिंग माना जाए? मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर है। तो सभी 2000 गोवंश को अपन ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना माल बनाते हैं वो समझ लीजिए 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता, पूरा ख़त्म हो जाता है। और इतने चाव से वो खाती हैं, इतने उनके उनका पेट भरा रहता है, तो यहाँ वहाँ न वो मुँह मारती हैं, न किसी को घायल करती हैं, न कुछ करती हैं। उनको पन्नी भी पेटों में उनके पेटों में पन्नी जाती है, तो उसके तरह तरह की बीमारियाँ उनको।